दोस्तों, गाड़ी या किसी भी व्हीकल का इंश्योरेंस करवाते टाइम हम ये सवाल ज़रूर पूछ लेते हैं कि इसमें कितनी वैल्यू आपने लगाई है हमारे व्हीकल की। अब दोस्तों, इंश्योरेंस की भाषा में उस वैल्यू शब्द को IDV कहा जाता है। IDV की फुल फॉर्म है इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, यानी कि जो इंश्योर्ड है उन्होंने अपनी व्हीकल की कितनी वैल्यू डिक्लेयर की है पॉलिसी के अंदर। अब इससे जुड़े काफ़ी सवाल भी आते हैं कि नई जो गाड़ी है, नया व्हीकल है, उसकी IDV कितनी लगेगी, वो हर साल कितनी कम होगी, क्या उसको बढ़ाया जा सकता है, या फिर जब कभी टोटल लॉस भगवान ना करे कभी उस व्हीकल का हो जाता है तो उस केस में हमें कितनी वैल्यू मिलेगी। अब दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब, ये सारे डाउट्स आपके इस वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरविंदर सिंह और आप देख रहे हैं DHC सॉल्यूशंस का यूट्यूब चैनल। ये एक बेहतरीन जरिया है इंश्योरेंस को बिल्कुल आसान भाषा में समझने का। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि नई गाड़ी की IDV कैसे डिसाइड की जाती है। देखिए दोस्तों, जब भी आप नई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक टर्म मिलती है एक्स शोरूम, उसके बाद एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस उसके अंदर जोड़े जाते हैं। तो जो एक्स शोरूम प्राइस है आपकी गाड़ी का, उसका 5% डेप्रिसिएशन के रूप में चार्ज किया जाता है नई गाड़ी के केस में भी। तो एग्जाम्पल के तौर पर इसे समझते हैं। मान लीजिए आपकी नई गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस है 10 लाख रुपये, उसका 5% हुआ 50,000 रुपये। तो जो नई गाड़ी खरीदते टाइम आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में आपकी गाड़ी की IDV लगेगी, वो 10 लाख माइनस 50,000 9.5 लाख रुपये उसमें डिक्लेयर की जाएगी। और कभी अगर टोटल लॉस गाड़ी का होता है तो इंश्योरेंस कंपनी की लाइबिलिटी भी इसी को पे करने की है 9.5 लाख रुपये की। अब कई केस ऐसे भी आते हैं जिसमें हमारे आर्मी पर्सन हैं, फौजी भाई हैं, वो अपनी गाड़ी खरीदने जाते हैं CSD के थ्रू, तो उन्हें कुछ रिबेट मिलता है, तो उस केस में गाड़ी की वैल्यू कितनी होगी। देखिए, जो उन्हें रिबेट मिलता है वो टैक्सेशन में मिलता है, तो एक्स शोरूम जो है वो उनके लिए भी सेम ही कंसीडर किया जाएगा और उनकी IDV में कोई भी कटौती नहीं की जाएगी, तो उनके लिए भी 9.5 लाख रुपये ही IDV मेंशन की जाएगी उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी में। तो इस हिसाब से नई गाड़ी की IDV डिसाइड की जाती है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि इसे हर साल ये कम कैसे होती है, यानी कितनी कम होगी, इसका क्या क्राइटेरिया है। ये भी आप मनमर्जी से नहीं कर सकते हैं, इसके लिए भी एक फिक्स स्लैब IRD ने डिफाइन कर दिया है, जो मैं आपको अभी बताऊंगा, जो स्क्रीन पे भी अभी आपको दिख रहा है। अगर आपकी गाड़ी, नई गाड़ी आप खरीदते हैं, 6 महीने से पुरानी नहीं है, यानी नई गाड़ी या 6 महीने उसको नहीं हुए हैं, तो 5% की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में अभी बताया था। अगर आपकी गाड़ी 6 महीने से 1 साल के बीच में पुरानी है और आप इंश्योरेंस उसका करवाना चाहते हैं, तो उस केस में आपसे 15% डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी एक्स शोरूम अमाउंट की। उसके बाद 1 से 2 साल के लिए 20%, 2 से 3 साल के लिए 30%, 3 से 4 साल के लिए 40%, और ऐसे बढ़ते बढ़ते 4 से 5 साल के बीच का डेप्रिसिएशन का स्लैब 50% का है। यानी पहले 5 साल में आपकी गाड़ी की कीमत इंश्योरेंस IDV स्लैब के हिसाब से आधी रह जाएगी। उसके बाद इसका घटना काफ़ी स्लो हो जाएगा और उसके बाद का जो डिसीज़न है वो इंश्योरेंस कंपनी और आपके बीच रह जाता है। यानी हर इंश्योरेंस कंपनी अपनी मर्जी से हर मॉडल और मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से अपनी IDV बता सकती है किसी भी व्हीकल के लिए। तो जिस भी कंपनी में आपको IDV अपनी गाड़ी की वैल्यू अच्छी लगे, आप वहाँ से इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों ये सवाल आता है कि क्या हम इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, अगर आप स्लैब के अकॉर्डिंग पहले 5 साल आपको कोशिश करनी है कि आप स्लैब के अकॉर्डिंग ही डेप्रिशिएट कीजिए अपनी गाड़ी की वैल्यू। अगर आप उसकी गाड़ी की वैल्यू, अपनी गाड़ी की वैल्यू जो है वो कम करते हैं, तो वैसे ही आपकी जो एसेट की वैल्यू है वो कम हो जाएगी, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप उसकी वैल्यू बढ़ाते हैं किसी भी इंटेंशन से, चाहे प्रॉफिट के इंटेंशन से या मार्केट वैल्यू के इंटेंशन से, तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब इसके लिए एक IRDA ने फिक्स स्लैब डिफाइन किया है तो आपको उसे ही फॉलो करना चाहिए। अब मान लीजिए आपने एक स्लैब के हिसाब से थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा के अपनी गाड़ी की लगा दी, तो उस टाइम पे कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिसी इश्यूएंस भी हो जाता है, लेकिन क्लेम के टाइम पे भी वैल्यू असेस की जाती है। उस टाइम इंश्योरेंस कंपनी चेक करेगी कि आपकी प्रीवियस पॉलिसी में क्या वैल्यू थी और इस पॉलिसी में आपने क्या वैल्यू डिक्लेयर की है। अगर वो IRDA रूल के हिसाब से है, 10% की डेप्रिसिएशन है, तो वो क्लेम आपको उस अमाउंट का देगी, नहीं तो आपको वो जो एलिजिबल अमाउंट है उसी का क्लेम देगी। तो वैल्यू बढ़ाने का बिना वजह कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ना तो ये व्हीकल की मार्केट वैल्यू है। अब हो सकता है मार्केट वैल्यू आपके व्हीकल की 7-8 लाख रुपये और इंश्योरेंस के हिसाब से वैल्यू 5-6 लाख रुपये बन रही हो, तो हमें सिर्फ इंश्योरेंस वैल्यू पे फोकस करना है कि वो रूल के अकॉर्डिंग कितनी बनती है। तो इसके साथ छेड़छाड़ ना करें तो ठीक है। अगर लीगली भी हम जाते हैं, मान लीजिए हमने ज़्यादा वैल्यू बढ़वा के उसका प्रीमियम पे कर दिया और फिर हम लीगल जाते हैं कि हमने तो इसका प्रीमियम पे कर रखा है,
तो भी चीज़ें रूल के अकॉर्डिंग ही काम करेंगी, बिना वजह हमें इसमें परेशान होना पड़ेगा। हो सकता है फैसला हमारे फेवर में भी आ जाए, लेकिन वो परेशानी ही रहेगी, उसका रेशियो ठीक नहीं है कि जितना वैल्यू का डिफरेंस आपने कैलकुलेट किया है और जो कोशिश आपको लीगली करनी पड़ेगी उस वैल्यू को पाने के लिए, वो रेशियो अनुपात जो है वो ठीक नहीं है। तो रूल के अकॉर्डिंग ही वैल्यू अगर लगाएंगे अपनी गाड़ी की तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब दोस्तों आता है फाइनल सवाल कि अगर गाड़ी का टोटल लॉस हो जाता है तो इसकी वैल्यू कैसे डिसाइड की जाएगी। दोस्तों उसके लिए भी ये IRDA का जो स्लैब है उसी के हिसाब से गाड़ी की वैल्यू डिफाइन की जाएगी, प्रीवियस पॉलिसी भी आपसे मांगी जाएगी और तब ये देखा जाएगा कि गाड़ी की वैल्यू कितनी बनती है एक्सीडेंट के टाइम पे। हमारी पॉलिसी में डिक्लेयर की गई IDV हमेशा ठीक नहीं होती, क्योंकि हमारे पास एक स्लैब होता है, कंपनी एक थोड़ा सा क्राइटेरिया देती है कि इतने से इतने के बीच में आप वैल्यू लगा सकते हैं, लेकिन हमें उसे प्रीवियस पॉलिसी डेप्रिशिएट करके ही अपनी वैल्यू लगानी चाहिए, क्योंकि वो क्लेम के टाइम पे, लॉस के टाइम पे भी कंपनी असेस करेगी और जो एलिजिबल अमाउंट होगा वही हमें क्लेम देगी। ऐसे भी कुछ भी डिक्लेयर कर करके हम अगर क्लेम लेंगे तो वो प्रॉफिट इंटेंशन चली जाती है, यानी कि हम मुनाफा कमाना चाहते हैं इंश्योरेंस के थ्रू, और वो इंश्योरेंस के रूल्स के खिलाफ है। तो दोस्तों अगर इस पूरे वीडियो का सार ये है कि जो इंश्योरेंस की वैल्यू है उसे डिफाइन किए गए स्लैब के हिसाब से ही आप लगाएं तो आपके लिए बेस्ट होगा, ना उससे कम ना ज़्यादा, क्योंकि क्लेम हमें उतनी ही वैल्यू का मिलने वाला है। और कई बार ऐसा भी होता है कि प्रॉफिट इंटेंशन से कि मैं वैल्यू ज़्यादा लगा के टोटल लॉस कुछ हो जाता है गाड़ी में तो मैं प्रॉफिट कमा लूँगा, तो वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसे केस में आपको नुकसान ही नुकसान होगा। तो ऐसा करने से बचें और रूल्स और गाइडलाइंस को फॉलो करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा IDV का, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू का, और किस हिसाब से अपनी गाड़ी की वैल्यू लगवानी है आपको। इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर आप फ्यूचर में भी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों इस चैनल के थ्रू हमारा ये उद्देश्य रहता है कि आप किसी भी अवेयरनेस की कमी की वजह से या अपने राइट्स को ना जानने की वजह से कोई भी नुकसान ना उठाएं। जो भी प्रीमियम आप पॉलिसी का पे करते हैं तो उसका पूरा कवरेज आपको मिले और किसी भी जानकारी के अभाव में आप कोई भी नुकसान ना उठाएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीक और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।